ओम नमः शिवाय। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपकी राशि, आपका भविष्य 11 जुलाई 2023 मंगलवार क्या है आपके नसीब में जानते हैं। मेष राशि, शुभ रंग लाल, शुभ अंक 5, शुभ समय दोपहर 3 बजे। अपनी शारीरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार ले। धन आपके लिए जरूरी है, लेकिन धन को लेकर इतने संजीदा न हो जाएं कि अपने रिश्तों को ही खराब कर दें। आपको खुश रखने के लिए आपके बच्चे जो कुछ बन पड़ेगा वह करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। अपने वरिष्ठों को नजरअंदाज न करें। लंबे वक्त से लटकी हुई दिक्कतों को जल्द ही हल करने की जरूरत है और आप जानते हैं कि आपको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी, इसलिए सकारात्मक सोचें और आज से ही प्रयास शुरू करें। जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का भरपूर समय मिलेगा। उपाय, दूध, दही, घी, कपूर, सफेद फूल का दान करने से हेल्थ अच्छी रहेगी। गीता ज्ञान अमृत, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। वृष राशि, शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 2, शुभ समय दोपहर 1 बजे के पहले रहेगा। बचपन की यादें आपके मन पर छाई रहेंगी, लेकिन इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव दे सकते हैं। आपके तनाव और परेशानी की एक बड़ी वजह बचपन की मासूमियत को जीने की चाह है, इसलिए खुलकर जिए। आज इस राशि के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपके व्यक्तिगत मोर्चे पर कोई बड़ी चीज होने वाली है जो आपके और आपके परिवार के लिए उल्लास लेकर आएगी। रोमांस को झटका लगेगा और आपके कीमती तोहफे भी आज जादू चलाने में विफल रहेंगे। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना भी है। अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर औरों से बेहतर बनने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। उपाय, प्रेम संबंधों को अच्छा करने के लिए गुड़ व मसूर की दाल जरूर खाएं। गीता ज्ञान अमृत, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। मिथुन राशि, शुभ रंग नीला, शुभ अंक 2, शुभ समय दोपहर 2 बजे। अपना धैर्य न खोए, खास तौर पर मुश्किल हालात में। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आपका कोई करीबी आज काफी अजीब मूड में होगा और उसे समझना लगभग असंभव साबित होगा। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की शहनाई बज सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे। किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। उपाय, काले सफेद तिल आटे में मिलाकर उसकी गोलियां मछलियों में डालने से सेहत अच्छी रहेगी। गीता ज्ञान अमृत, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। कर्क राशि, शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 8, शुभ समय सुबह 11 बजे के बाद रहेगा। आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार आपके ऊर्जा स्तर को उठाए रखने में अहम साबित होगा। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपने कारोबार में अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे,
व घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगे। आपका प्रिय आज रोमांटिक मूड में होगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पदोन्नति की काफी संभावना है। आप अपनी खुशी दुगनी करने के लिए सहकर्मियों से बांट सकते हैं। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। मुमकिन है कि आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में यह बताए कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। उपाय: अपने इष्ट देव को पूजा में लाल सिंदूर अर्पित करने से हेल्थ अच्छी रहेगी। गीता ज्ञान अमृत: मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। सिंह राशि: शुभ रंग गुलाबी। शुभ अंक 9। शुभ समय दोपहर 3 बजे के बाद रहेगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित करता है। यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे और अब तक वो आपकी बात को टाल रहा था, तो आज बिना बोले ही वो आपको पैसा लौटा सकता है। दिन के उत्तरार्ध में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। आप जहां हैं वहीं रहेंगे, बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। दिन उम्दा है, आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहां तक संभव हो बात को बढ़ने न दें। उपाय: किसी साधु या अपंग व्यक्ति को चारपाई का दान करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गीता ज्ञान अमृत: मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। कन्या राशि: शुभ रंग पीला। शुभ अंक 1। शुभ समय शाम 5 बजे के बाद रहेगा। आपका तनाव काफी हद तक खत्म हो सकता है। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें। अचानक मिला कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे सपने देगा। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कार्य क्षेत्र में आप में ऊर्जा देखी जा सकती है। आज आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। आज रात को जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताते समय आपको लगेगा कि आपको उन्हें और भी वक्त देना चाहिए। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। उपाय: गौशाला में 1.25 किलो जौ दान में देने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। गीता ज्ञान अमृत: मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। तुला राशि: शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 3। शुभ समय सुबह 9 बजे से रहेगा। क्षणिक गुस्सा विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है। इस राशि के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। आज प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल कीजिए। लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। वह काम जो आज आप दूसरों के लिए स्वेच्छा से करेंगे, न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक होगी। आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को खुशनसीब समझता है। इन पलों का भरपूर उपयोग करें।
उपाय: काले चने, काले उड़द, काले कपड़े और सरसों के तेल का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गीता ज्ञान अमृत। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। वृश्चिक राशि। शुभ रंग काला। शुभ अंक 1। शुभ समय दोपहर 4 बजे के बाद रहेगा। खुशनुमा दिन के लिए मानसिक तनाव और झंझटों से बचें। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैसा होगी। दोस्त और जीवन साथी आपके लिए सुकून और खुशी लेकर आएंगे, नहीं तो आपका दिन बुझा बुझा और दौड़ भाग से भरा रहेगा। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। काफी वक्त बाद आप और आपका जीवन साथी एक शांत दिन साथ बिता सकते हैं, जब कोई लड़ाई झगड़ा न हो, सिर्फ प्यार हो। उपाय: बेडरूम में क्रिस्टल बॉल्स रखने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। गीता ज्ञान अमृत। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। धनु राशि। शुभ रंग हरा। शुभ अंक 5। शुभ समय सुबह 9 बजे के बाद रहेगा। खुशनुमा दिन के लिए मानसिक तनाव और झंझटों से बचें। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ कास ही क्यों न करना पड़े। दोस्ती में प्रगाढ़ता के चलते रोमांस का फूल खिल सकता है। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को झट से दबोच लें। आज काफी दिगा की कसरत मुमकिन है। आप में से कुछ शतरंज खेल सकते हैं, वर्गफेली हल कर सकते हैं, कोई कविता खानी लिख सकते हैं या भविष्य की योजनाओं पर गहराई से सोच सकते हैं। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं आज आपके पास। उपाय: विष्णु या दुर्गा जी के मंदिर में कांसे का बर्तन दान करने से स्वास्थ्य बना रहेगा। गीता ज्ञान अमृत। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। मकर राशि। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 2। शुभ समय दोपहर 12 बजे के बाद रहेगा। अपने बच्चे का प्रदर्शन आपको बहुत खुशी देगा। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। घर में मरम्मत का काम या सामाजिक मेलमिलाप आपको व्यस्त रखेगा। आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को इसी ओर लगाएं। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय उनकी खातिरदारी में जाया हो सकता है। जीवन साथी के साथ यह एक बढ़िया दिन गुजरने वाला है। उपाय: भैरव जी पर मदिरा चढ़ाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गीता ज्ञान अमृत। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। कुंभ राशि। शुभ रंग हरा। शुभ अंक 5। शुभ समय सुबह 10 बजे के पहले रहेगा। घर पर तनाव का माहौल आपको नाराज कर सकता है। इसे दबाना आपकी शारीरिक समस्याओं में इजाफा कर सकता है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाकर इससे निजात पाएं। खराब हालात से दूर रहना ही बेहतर है। जो लोग अब तक पैसे को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें आज पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है और आज आपको समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। आपका अड़ियल रवैया घर पर लोगों के दिलों को चोट पहुंचा सकता है, यहां तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं।
आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। आपके पास आज अपनी क्षमताओं को दिखाने के मौके होंगे। यात्रा और भ्रमण वगैरह न सिर्फ आनंददायक सिद्ध होंगे बल्कि काफी शिक्षाप्रद भी रहेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप आज एक शानदार शाम गुजार सकते हैं। उपाय: काले व सफेद मोतियों की माला गले में धारण करने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। गीता ज्ञान अमृत: मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। मीन राशि: शुभ रंग पीला, शुभ अंक 8, शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद रहेगा। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। घर को सजाने संवारने के अलावा बच्चों की जरूरतों पर भी ध्यान दें। बच्चों के बिना घर आत्मा के बिना शरीर की तरह है, फिर चाहे वह कितना भी खूबसूरत क्यों न हो। बच्चे घर में उत्साह और खुशियों की सौगात लाते हैं। आज आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने संगी से साझा करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी परेशानियों के बारे में बता के आपको और ज्यादा परेशान कर देंगे। वरिष्ठ सहकर्मी और रिश्तेदार मदद का हाथ बढ़ाएंगे। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय न निकाल पाए। उपाय: लोहे के बर्तन से पानी पीना प्रेम संबंधों को अच्छा रखेगा। गीता ज्ञान अमृत: मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं।